महाराष्ट्र में लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश के चंद्रपुर जिले में बाढ़ का पानी गांव में घुस जाने के कारण एक महिला का रेस्क्यू करना पड़ा। जानकारी के अनुसार महिला बल्लालपुर तहसील के हड़प्ती गांव की रहने वाली है। उधर चंद्रपुर में हो रही लगातार बारिश से आम आदमी नहीं जंगल के जानवर भी परेशान हो गए। हालात यह है कि जंगल से निकलकर एक बाघ हाईवे पर आकर बैठ गया, जिससे जाम लग गया। बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघ को सड़क क्रॉस कराने में मदद की। इसके बाद ट्रैफिक चालू। उधर राष्ट्रपति पद पर मुर्मू की जीत से उत्साहित महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया गया। अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित पूरे प्रदेश पदाधिकारी और आदिवासी समाज जुटा और मिठाइयां बांटी गई। इसके अलावा अभिनेता सलमान खान ने मुंबई कमिश्नर विवेक भंसालकर से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि सलमान की यह मुलाकात पिछले दिनों उन्हें दी गई धमकी के सिलसिले में थी। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश अब आम जन के लिए आफत का सबब बन गई। हालात यह है कि गांव के गांव जलमग्न हो रहे हैं। ऐसे ही हालात चंद्रपुर जिले का है, जहां की बल्लारपुर तहसील के गांव हड़स्ती में एक महिला बाढ़ में गिर गई। इसके बाद उसका रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। दरअसल महिला को इसी दौरान हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उसकी जान बचा पाना मुश्किल था, लेकिन बचाव दल के प्रयास काम आए और महिला को बचा लिया गया। उधर लगातार बारिश से आम जनता ही नहीं जंगल के जानवर भी परेशान हो गए। इस बीच चंद्रपुर जिले के हाईवे पर एक बाघ के चलते ट्रैफिक जाम हो गया। दरअसल हुआ यूं कि नागभीड़ ब्रह्मपुरी हाईवे पर साईघाटा के पास एक बाघ सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक रोकने का इंतजार कर रहा। उसे सड़क पार करना थी, इसी बीच लंबा जाम लग गया। ऐसे में आनंद फानन में वन विभाग की टीम के आने के बाद बाघ ने सड़क क्रॉस की, तब जाकर ट्रैफिक सामान्य हो पाया। महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आदिवासी समाज भी जुटा, नृत्य भी किया गया और मिठाई भी खिलाई गई। बता दें, बीजेपी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी राग अलाप रही। देश के सभी प्रदेशों में इस तरह के कार्यक्रम रखकर बीजेपी यह जताने की कोशिश में है कि देश में जो उसने किया आदिवासियों के लिए किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। बाईस जुलाई को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन होता है। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई सरकार राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी, जिसमें फडणवीस का अहम रोल होगा। बता दें, शुक्रवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के होटल अशोका में किया गया, जहां देश के विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान शुक्रवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के नए कमिश्नर विवेक भंसालकर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सलमान खान को मिली धमकी के मद्देनजर यह मुलाकात की गई और पूरे प्रकरण पर कमिश्नर के साथ सलमान ने चर्चा की है।